नमस्कार, शाबनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अनानास यानी पाइनएप्पल का टेस्टी खट्टे मीठे तीखे चटनी या पिकल, जो आप रेफ्रिजरेटर में रख के साल भर खा सकते हैं। सबसे पहले सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाला ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने बड़ा कड़ा यूज नहीं किया है, तड़का वाला पैन को ही लिया है। एक बड़ा चम्मच राई का दाने लिए हैं, इसे डाल देते हैं। सौंफ लिए हैं 1.5 बड़े चम्मच, ये बड़े दाने वाले सौंफ है, इसे भी डाल देते हैं। मेथी का दाने लिए हैं 1 छोटे चम्मच, मेथी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। मंगरेल या कलौंजी लिए है 1 छोटे चम्मच, और ये है रांधुनी, ये लिया है 1.5 बड़े चम्मच। ये बंगाल का एक मसाला होता है जो पिकल या चाटनी में डाला जाता है। ये देखने में अजवाइन जैसा है, लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर टोटली डिफरेंट है। अगर आपको रांधुनी ना मिले तो आप 1 छोटा चम्मच जीरा भी यूज कर सकते हैं। अभी गैस ऑन करके लो फ्लेम में इसे हल्का रोस्ट करेंगे। इस पांचों मसाला को एक साथ पांच फोरन कहा जाता है। अगर आपको पांच फोरन के बारे में जानना है तो आप हमारा पांच फोरन का रेसिपी भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसका कलर चेंज हो रहा है, अभी इसे निकाल के ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अभी एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसे पाउडर बना लेंगे। इसे पाउडर बना लिया है, इसमें से अभी बहुत अच्छा खुशबू निकल रहा है। इसे ढक के ही रखेंगे। अभी मीडियम फ्लेम में एक कढ़ाई को गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें पाइनएप्पल को डाल देंगे। हमने यहाँ में 1/2 kg पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। काटने से पहले पाइनएप्पल को अच्छे से धो लेना होगा। अभी इसे डाल देते हैं कढ़ाई में। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, इसे अभी चलाते रहेंगे 2 मिनट। 2 मिनट बाद इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं। आप आपका टेस्ट के हिसाब से नमक को डालें। हमारा ये पाइनएप्पल बहुत ज्यादा मीठा है तो हम ज्यादा चीनी यूज नहीं करेंगे। अभी इसमें 200 ग्राम चीनी को डाल देते हैं। चीनी गलने तक इसे चलाते रहेंगे। इस चटनी में हम पानी नहीं डालेंगे, ये चीनी का रस ही बॉयल होगा। इसे हम ढक के नहीं पकाएंगे, इसे कंटिन्यू चलाते जाना है, नहीं तो नीचे लग सकता है। अभी पाइनएप्पल भी बॉयल हो गया है और चीनी का रस भी थोड़ा कम हो गया है। अभी इसमें 1 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर को मिला देंगे। चिली पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ पाउडर को भी डाल देते हैं। 2 बड़े चम्मच भुना हुआ मसाला पाउडर को डालेंगे। एक्स्ट्रा मसाला को हम एक एयरटाइट जार में भर के रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। कोई भी सब्जी बनाने के बाद इसे थोड़ा सा डाल देने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अभी मसाला को अच्छे से मिला लेंगे।
लास्ट में 3 बड़े चम्मच लेमन का जूस मिला देंगे। इसे अच्छे से छन्नी करके मिलाएंगे। इस पिकल या चटनी को आप रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये धूप में भी नहीं लगाना पड़ेगा। रेडी हो गया है। खट्टे मीठे तीखे पाइनएप्पल का टेस्टी अचार, तो ट्राई कीजिए इस टेस्टी पाइनएप्पल अचार को और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट के थ्रू। पाइनएप्पल अचार को एक बोल में उठा लेते हैं। अगर आपको हमारा ये पाइनएप्पल का अचार या चटनी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्रावणीज किचन को और अच्छा अच्छा हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपी पाने के लिए। सब्सक्राइब करने से हमारा सारे रेसिपी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी।